आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बता दें आपको, एक बड़ी खबर आ रही है फरीदाबाद से, जहां पर 50 करोड़ के फर्जी बिल मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें आपको, ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है, नगर निगम के 4 कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। ये बड़ा घोटाला सामने आया, चारों दोषियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। जैसे ही ये पूरा घोटाला उजागर हुआ और इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई, विकास कार्यों के नाम पर ये बड़ा घोटाला किया गया था। जी हाँ, बता दें आपको, दोषी अधिकारियों ने किया था 50 करोड़ का भुगतान, जबकि विकास कार्य कुछ नहीं हुआ था। तो 50 करोड़ के फर्जी बिल मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जो दोषी अधिकारी पाए गए उनको नौकरी से हटा दिया गया है। नगर निगम के 4 कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई, नौकरी से हटा दिया गया उन्हें, 4 दोषियों को नौकरी से निकाल दिया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, करोड़ों का घोटाला यहाँ पर हुआ है और विकास कार्यों के नाम पर घोटाला हुआ है। जी हाँ, विकास कार्यों के नाम पर जो विकास कार्य हुए ही नहीं उनका भुगतान कर दिया गया। दोषी अधिकारियों ने किया था 50 करोड़ का भुगतान, और ये 50 करोड़ का भुगतान तब किया जो कि विकास कार्य हुए नहीं, और उनके नाम पर 50 करोड़ का भुगतान कर दिया। देखिए, काफी लंबे समय से लंबित चल रही थी इसकी जांच, और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे फरीदाबाद नगर निगम के कमिश्नर श्री यशपाल यादव जी का, कि जिन्होंने बहुत ही तेजी से इस जांच को आगे बढ़ाते हुए, इस पर कार्रवाई करते हुए सरकार को रिपोर्ट भेजी और सरकार ने इस पर संज्ञान लिया, जिसके एवज में अभी 4 जो निगम के जो कर्मचारी हैं उनको कल टर्मिनेट किया गया है। और जो बड़े जो अधिकारी हैं, जो विशेष रूप से इसमें जिम्मेदार हैं जो जाँच के अनुसार, उनके लिए भी सरकार के पास रिकमेंडेशन भेजी है कार्रवाई करने के लिए, FIR दर्ज करने के लिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्दी इस पर FIR दर्ज होगी और इनसे पैसे की रिकवरी करने का काम किया जाएगा। और फरीदाबाद से संवाददाता पूजा शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पूजा, 50 करोड़ का ये घोटाला नगर निगम का, और बड़ी कार्रवाई यहाँ पर उन 4 अधिकारियों के खिलाफ जो कि दोषी पाए गए हैं। पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे, कब से घोटाला चला आ रहा था और कैसे इसका पर्दाफाश हुआ? जी देखिए, नगर निगम के पार्षदों ने इस घोटाले को उजागर किया था, जहां 10 वार्डों में एक भी विकास का पैसा नहीं लगा था, और जो सतबीर ठेकेदार है उसको अलग अलग कंपनियों में भुगतान कर दिया गया 50 करोड़ का। और जब जांच हुई तो 50 करोड़ से ये घोटाला बढ़कर लगभग 200 करोड़ तक पहुंचकर इस मामले में मुख्यमंत्री ने बिजनेस विभाग को जांच सौंपी, और अब परतें खुल रही हैं इस मामले की, जिसके तहत जो 4 अधिकारी थे उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है। लेकिन इसमें अभी भी कई बड़े अधिकारी ऐसे हैं जो जिन पर कार्रवाई होनी अभी बाकी है। विजिलेंस विभाग द्वारा उन्हें नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिनमें से एक चंडीगढ़ बैठे अधिकारी भी जिनमें शामिल हैं, और इसके साथ ही जो ठेकेदार है उसके खिलाफ अभी कार्रवाई होनी बाकी है। लगातार जो है पार्षद इस बात को कह रहे हैं कि जो भी आरोपी है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, सरकार बात करती है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की, तो इस बात पर अमल करते हुए जो भी इस मामले में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल जिस तरह से ये मामला कथित मिली भगत के चलते ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही थी, और जनता टीवी बार बार इस मामले को सरकार के संज्ञान में ला रहा था, और आखिर हमारी जो मेहनत थी वो सफल हुई और विजिलेंस जांच के बाद कड़ियां खुलने लगी। और उम्मीद है कि जो आरोपी ठेकेदार है, जिन्होंने नगर निगम के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का चूना नगर निगम को और लोगों की खून पसीने के राजस्व की कमाई को लगाया है, उस पर भी जल्द गाज गिरेगी। और पार्षद भी ये मांग कर रहे हैं कि उक्त ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, और ताकि आगे भी जो है अधिकारी जो है इस तरह के घोटालों को अंजाम ना दे सके और सबक इस पूरी कार्रवाई से लिया जा सके। बिल्कुल। और RTI एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं विष्णु गोयल जी। विष्णु गोयल जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी मैम। विष्णु गोयल जी, क्योंकि ये मामला जो कि करोड़ों के घोटाले का मामला है, ये सिर्फ 50 नहीं बल्कि 200 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है, अधिकारियों पर गाज गिरी है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि संलिप्तता किस स्तर पर यहाँ पर थी कि इतना बड़ा घोटाला हो जाता है। विकास जिस विकास के लिए लिया गया था ये घोटाला, विकास कार्य करवाए जाएंगे, वो हुआ नहीं, लेकिन 200 करोड़ रुपए डकार लिए गए। मैडम, इतना बड़ा घोटाला बिना मिली भगत के संभव नहीं है। एक आउटसोर्सिंग के कनिष्ठ अभियंता को अगर पावर दी जा रही है तो इसमें सीधा सीधा निगम आयुक्त या सरकार का कोई वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित है। बिल्कुल। आउटसोर्सिंग का अधिकारी बिल कैसे बना सकता है, उसको पावर किसने दी? जी, तो ये बड़े पैमाने पे अगर इसकी जांच खुली तो 200 नहीं है 900 करोड़ रुपए हो जाएगा। अभी तो एक कॉन्ट्रैक्टर की जांच चल रही है। बिल्कुल।
और उसको में भी ये लीपापोती कर रहे हैं, किसी भी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जिसमें एक जेई तो जिसमें दिया हुआ है कनिष्ठ अभियंता, वो बेलदार है, बेलदार को जेई का चार्ज दे रखा है बिल्कुल। और 2017 में निगम आयुक्त सोनल गोयल को, यानी कि जो अधिकार दिए गए अधिकारियों को वो भी गलत तरीके से दिए गए, जिन अधिकारियों का काम वो नहीं है वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु गोयल जी, आरटीआई एक्टिविस्ट, और पूजा शर्मा हमारे संवाददाता, इस खबर पर जिन्होंने पूरी जानकारी हम तक पहुंचाई है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पूजा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए जनता टीवी के साथ, नमस्कार।